शौचालय के मुद्दों पर नागपुर नागरिक मंच पिछले एक साल से संघर्ष कर रहे हैं। इस वर्ष महिला दिवस के अवसर पर इस मुद्दे पर दर्शनीय प्रदर्शन का आयोजन वैरायटी चौक के महात्मा गांधी प्रतिमा के पास किया गया। शहर में अस्वच्छ एवं असुरक्षित शौचालयों की फोटो प्रदर्शित करने, महिलाओं के लिए स्वच्छ एवं पर्याप्त शौचालय की मांग, शासकीय कार्यालयों में शौचालयों के समुचित रखरखाव के मुद्दों पर यह प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में मंच के नेतृत्व में महिला समाज सेवी, नौकरी पेशा महिलाएं व बाजार क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया। की अनेक शाळांमधून किंवा आपण स्लम एरियामधून किंवा आता ह्या ज्या पॉश एरियाज आपण म्हणतो, सिव्हिल लाईन्स एरिया म्हणा, कुठेही म्हणा, सगळीकडे स्वच्छतागृहांची उपलब्धता नाही आहे किंवा अनेक ठिकाणी महिला आणि पुरुष मिळूनच स्वच्छतागृह वापरतात आहे। म्हणजे हे फारच कसं एक लाजीरवाणी गोष्ट ठरते की एकाच क्यूमध्ये महिला आणि पुरुष उभे आहेत आणि वेटिंग्समध्ये ते राहतात, त्यांना बरेचदा त्यांची युरिन कंट्रोल होते नाही होत, तरी पण ते कंट्रोल करत उभं राहावं लागतं। आणि अनेक अशा स्लम एरियाजमधनं सर्व्हेच्या दरम्यान लक्षात आलं की अगदी घाणीनी, म्हणजे मानवी विष्ठेनी डबडबलेली अगदी संडास आहेत, तिथे नळ आहेत पण नळाला टोटी नाही, किंवा टोटी आहे तर नळाला पाणी नाही। NBC News के लिए राजकुमार मोड के साथ अक्षय अंसारी की रिपोर्ट।